आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान विषय में अध्याय 3 का भाग 3। अध्याय 3 के जो पहला और दूसरा भाग है हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, धातु और अधातु के बारे में। आज हम पढ़ेंगे तीसरा भाग कि धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। धातु पृथ्वी की सतह पर, भूपर्टी मतलब सतह, सभी धातुएं कुछ मुक्त अवस्था में और कुछ यौगिक अवस्था में अपने ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, अयस्क के रूप में पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाली धातुएं जो जिस रूप में पाई जाती हैं हम उनको खनिज और अयस्क कहते हैं। तो थोड़ा सा अंतर है खनिज और अयस्क में। पृथ्वी की सतह पर जो भी तत्व पाए जाते हैं, या तो वो तत्व के रूप में या यौगिक के रूप में, उसे हम क्या बोलेंगे? खनिज। अब कुछ खनिज में से जो धातु होती है वो कम रहती है, कभी ज़्यादा रहती है। तो जिसमें धातु ज़्यादा मात्रा में हो और हमें बहुत कम समय में और लाभदायक तरीके से प्राप्त हो, उसे हम अयस्क कहेंगे। तो ऐसा खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में प्राप्त हो और लाभदायक हो, हम उसे क्या बोलेंगे? अयस्क। तो हम देखते हैं कि जो धातुएं हैं उनको हम कैसे प्राप्त करेंगे, उनका निष्कर्षण कैसे करेंगे। तो बहुत सारी विधियां हैं, तकनीकें हैं, क्योंकि सभी धातुओं की क्रियाशीलता अलग अलग होती है। कुछ धातुएं ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, कुछ कम क्रियाशील होती हैं। तो हम एक सक्रियता श्रेणी है उसमें हम बताएंगे आपको कि कौन सी धातुएं ज़्यादा क्रियाशील हैं और जो कम क्रियाशील है। देखिए आप जो ऊपर हैं इस श्रेणी में, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये ज़्यादा सक्रिय धातु हैं, ये ऊपर आती हैं, और बीच में ये मध्यम सक्रिय हैं, और जो नीचे हैं ये प्राकृतिक अवस्था में ही ज़्यादा क्रिया नहीं करती हैं और हमें आसानी से प्रकृति से प्राप्त हो जाती हैं। और ये जिंक, आयरन, ये कार्बोनेट, सल्फाइड और उनके ऑक्साइड अयस्क में पाई जाती हैं। तो हमें ये देखना है कि हम अयस्क समझ गए ना, कि जिसमें धातु की मात्रा ज़्यादा हो वो अयस्क कहलाएंगे। तो हम अयस्क से धातु कैसे निकालेंगे? तो इसके तीन स्टेप हैं, तीन चरण हैं। पहला है अयस्क का समृद्धिकरण, दूसरा अयस्क धातुओं का निष्कर्षण, और फिर है धातुओं का शुद्धिकरण। तो सबसे पहले हमें अयस्क को जमीन से, पृथ्वी से प्राप्त करना है। तो अयस्क में कभी कभी अशुद्धियां भी मिली हुई रहती हैं, धातु रहती है, धातु के साथ उसमें अनुपयोगी पदार्थ, उनको हम गैंग बोलेंगे। तो ये गैंग हमें इससे हटाना है। तो जो पहले हम गैंग को हटा देंगे, अशुद्धियों को, फिर जो प्राप्त होगा वो अयस्क का क्या कहलाएगा? समृद्धिकरण। उसमें से फिर हम धातु निकालेंगे, उसके बाद धातुओं का क्या करेंगे? शुद्धिकरण। अब हम एक एक स्टेप को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पहला है अयस्कों का समृद्धिकरण। तो गैंग का अर्थ है जो पृथ्वी से अयस्क है उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें हम गैंग कहते हैं, हमें इसको हटाना है। तो हम गैंग को अयस्क में से कैसे हटाएंगे? क्योंकि सभी के भौतिक गुण अलग अलग रहते हैं, तो कुछ प्रचलित विधियाँ हैं, जैसे पानी से साफ करेंगे तो मिट्टी वगैरह पानी में बहकर निकल जाएगी। चुंबक द्वारा भी, जैसे कोई अयस्क है या कोई धातु वाला अयस्क है तो वो लोहे से क्या होगा? आकर्षित होगा। लोहा जिसमें मिला हुआ है तो वो चुंबक द्वारा आकर्षित होगा। इस प्रकार अयस्क साफ हो जाता है गैंग से। फिर है धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण हमने अभी पूर्व में बताया कि धातुएं कुछ ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, कुछ कम क्रियाशील होती हैं। तो जो श्रेणी हमने अभी पूर्व में बताई थी, तो हम नीचे से शुरू करते हैं। सक्रियता श्रेणी में जैसे पारा, सिल्वर, ये नीचे आने वाली धातुएं हैं। तो जो नीचे आती हैं ये कम क्रियाशील होती हैं, और अधिकतर ये धातुएं ऑक्साइड के रूप में पृथ्वी पर पाई जाती हैं। तो हम इन ऑक्साइड मतलब धातु की ऑक्सीजन से क्रिया, तो ये ऑक्साइड के रूप में हैं। तो ये आसानी से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं, यदि हम इनको गर्म करते हैं तो धातु प्राप्त हो जाती है। एक उदाहरण लीजिए आप,
पारा धातु का निर्माण, पारा मरकरी भी कहते हैं, इसका संकेत HG है, तो उसका एक अयस्क है सिनावार, उसका सूत्र देखिए आप HGS। इस सिनावार को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये ऑक्साइड के रूप में बदल जाएगा। तो इसके सल्फाइड अयस्क को हमने ऑक्साइड में बदल लिया, और फिर हम इस ऑक्साइड को, जैसे ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसको गर्म करेंगे तो ये हमें धातु प्राप्त हो जाएगी मरकरी HG, और ये ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। इसका एक अन्य उदाहरण है कॉपर सल्फाइड, इसको भी हम ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड में बदलेगा, और फिर इस कॉपर ऑक्साइड को गर्म करेंगे इसी प्रकार तो ये कॉपर में बदल जाएगा। ये था सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं। अब हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी के मध्य में, तो ना ये ज़्यादा सक्रिय होती हैं ना कम क्रियाशील होती हैं, तो ये धातुएं जो हैं बीच में आने वाली, अधिकतर ये इनके या तो सल्फाइड अयस्क होते हैं, सल्फर जुड़ा रहता है इनसे, या कार्बोनेट। तो सल्फाइड या कार्बोनेट, इसको हम पहले इनके ऑक्साइड अयस्क में बदल लेते हैं। ये देखिए आप ऑक्साइड अयस्क में बदल लेंगे इनको, उसके बाद हम ऑक्साइड से धातु प्राप्त करेंगे। तो हम पढ़ते हैं सल्फाइड अयस्क से धातु को निकालना। तो जब सल्फाइड अयस्क से धातु को हम निकालेंगे तो इस क्रिया को बोलते हैं भर्जन। तो अयस्क, सल्फाइड अयस्क को हम वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो वो ऑक्साइड में बदल जाता है, इस क्रिया को बोलते हैं भर्जन। देखिए आप जिंक सल्फाइड ZnS, ये संकेत आप पूर्व में पढ़ चुके हो, तो इसका नाम है जिंक सल्फाइड। तो ये जिंक सल्फाइड से ऑक्सीजन में बदल गया, जिंक ऑक्साइड। अब इस जिंक ऑक्साइड से हम जिंक धातु प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद निस्तापन, सल्फाइड अयस्क से जब हम इसको ऑक्साइड में बदलते हैं तो इसको बोलते हैं भर्जन, और जब कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदलते हैं तो इस क्रिया को बोलते हैं निस्तापन। जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, इसको भी हम जब सीमित वायु में, मतलब हवा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन कम ऑक्सीजन में ये गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड में बदल जाता। तो आप देखिए यहाँ भी ये ऑक्साइड में बदल गया और यहाँ भी ऑक्साइड में बदल गया। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, भर्जन और निस्तापन। सल्फाइड अयस्क को जब हम ऑक्साइड में बदलते हैं तो यह क्रिया भर्जन, और कार्बोनेट अयस्क को जब हम ऑक्साइड में बदलते हैं तो यह क्रिया कहलाती है निस्तापन अभिक्रिया। अब ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो गए, अब हम इनसे धातु निकालेंगे, धातुओं के ऑक्साइड से धातु का हम निर्माण करेंगे। तो अपचयन विधि, आप पूर्व में अपचयन विधि पढ़े हो कि ऑक्सीजन को हटाना किसी भी यौगिक में से वो अपचयन कहलाता है। तो यहाँ हम देखते हैं जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड में से हमें ऑक्सीजन को हटाना है तो हम यहाँ कार्बन से क्रिया करवा रहे हैं। तो यहाँ जिंक धातु देखिए ZnO+C=ZnCO, और ये कार्बन ने ऑक्सीजन से क्रिया कर ली। तो ये पदार्थ जो ऑक्सीजन से क्रिया कर रहे हैं इनको हम अपचायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचायक। यहाँ देखिए कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सब अपचायक हैं, ये आसानी से ऑक्सीजन को खींच लेते हैं। कभी कभी जो धातुएं होती हैं, जैसे जिंक धातु है, दूसरी धातुएं भी होती हैं, वो भी अपचायक का कार्य करती हैं, मतलब वो ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं। ये देखिए आप आयरन ऑक्साइड Fe2O3, इसकी हम एल्यूमिनियम से क्रिया करवाएं, एल्यूमिनियम भी धातु है, तो ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है। तो ये यहाँ पर Al2O3 बनेगा और आयरन अलग हो गया, और यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है और आयरन भी उत्पन्न हो रहा है, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं थर्मिट अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया का उपयोग जो रेल की पाते होती हैं वहाँ पर जो जोड़ हैं, तो वहाँ पर जोड़ने के लिए इस अभिक्रिया का उपयोग किया
जाता है या कोई मशीन के पुर्जों में दरार आ गई है, संधि स्थान है उनमें हमें जोड़ना है, तो इस अभिक्रिया का हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार धातुओं के ऑक्साइड से हम धातु निर्माण करेंगे। ये जो क्रियाशीलता में मध्य श्रेणी में आने वाली धातुएं हैं उनका हम इस अपचयन विधि से धातु निष्कर्षण कर सकते हैं। धन्यवाद।